हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं आलू का नया रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए तैयारी करते हैं उसकी। मैंने 5 से 6 आलू ले लिए हैं, इसे मैं अभी मैश करूँगी। 4 से 5 चम्मच बेसन है, मैदा है 2 से 3 चम्मच के लगभग। आप इसकी जगह अरारोट का भी यूज कर सकते हैं। ये सारे मसाले हैं, आप देख सकते हैं। चाट मसाला है 1 चम्मच के लगभग, 1 चम्मच सब्जी मसाले हैं, 1 चम्मच है नमक सफ़ेद वाली, ये लाल मिर्च है 1/2 चम्मच के लगभग, गरम मसाला 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर भी 1/2 चम्मच है। अगर पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा 1 से 2 चम्मच के लगभग पानी डालें, नहीं तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए मैंने अब आलू को मैं सबसे पहले मैश करूँगी। इस तरह से आप भी मैश कर ले इसे। बहुत ही क्रिस्पी मैं आज जा रही हूँ इसका नाश्ता बनाने, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। इस तरह से आप भी मैश कर ले इसे। अब इसके बाद में जब अच्छे से मिक्स हो जाए, आप देख सकते हैं आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब इसमें आप बेसन ऐड कर लें। इस तरह से इसको भी मिक्स कर लें अच्छे से। अब सारे मसाले आप डाल सकते हैं इसमें। मैदे भी आप ऐड कर लें अरारोट से, अरारोट डालें या मैदा डालें जो आपके घर में उपलब्ध हो आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से अच्छे से क्लीन करके डाल लें। अब सारे मसाले भी मैं ऐड करूँगी जो मैंने आप लोगों को बताए थे। इससे पहले मैं सब्जी मसाला ऐड करूँगी, चाट मसाला। सबकी मात्रा मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, आप भी इसी तरह से डालें। लगभग 4 से 5 लोगों का ब्रेकफास्ट अच्छे से बन जाएगा। सावन की रिमझिम बारिशों में से आप लोग ज़रूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होता है ये, जो मैं अभी आप लोगों को बनाकर बताऊंगी। देखने से ही आप लोग को पता चल जाएगा कि कितनी क्रिस्पी होती है। तो चलिए मैं अब इसे मिक्स कर लेती हूँ। मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स डाल दिए हैं, आप भी डाल लें। अच्छे से मिक्स करें, तरह से मिक्स कर लें। वैसे आप भी इसको लंबा सेप कटलेट के सेप से, मैं आज आलू कटलेट बना रही हूँ। इस तरह से आप भी बनाएं। देखिए इस तरह से मैंने और भी बना लिए हैं। उंगलियों की सहायता से पहले कर ले इसको, नहीं चिपकता है ये। या तेल का भी आप इसे बना सकते हैं ऐसे। अब बड़ा साइज में चाहें तो बड़ा बना ले, छोटा साइज में चाहें तो छोटा बना ले। मैंने कुछ बड़े कुछ छोटे बनाए हैं, इस तरह से आप भी बनाएं। तो चलिए अब इसे मैं फ्राई करती हूँ। आप देख सकते हैं इधर मैंने तेल गरम कर चुके हैं। देखिए इसमें आप तेल परफेक्ट गर्म है। इस तरह से आप भी गर्म कर ले। यकीन मानिए बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ते होते हैं। इस तरह से वैसे आप भी बना लें। एक बार में अधिक ना डालें, दो एक एक करके 3 या 4 के लगभग में आप डाल लें। इस तरह से मैं और दिखा रही हूँ आपको बनाते हुए। इस तरह से आप भी राउंड राउंड करके इसे इस तरह से देखिए बहुत सुंदर बन जा रहा है। आप भी इस तरह से बना लें। मोटे तले का बर्तन लें, जिस तरह से मैंने लिए हैं उसी तरह से आप देख सकते हैं। देखिए कितने सुनहरे कलर के हो चुके हैं। आप भी इसी तरह कैसे चलाते हुए फ्राई करें। थोड़ा सा एक तरफ सीख लिया, उसके बाद में आप इसे पलट दिए बराबर चलाते रहें, नहीं तो कहीं ये जल जाएंगे, कहीं कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से आप बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे नाश्ते बन जाएंगे। अब इसे आप बड़ी वाली छन्नी से इस तरह की छन्नी से इसे निकाल लें, जिससे तेल भी पूरे निकल जाएंगे। इस तरह से इसे आप सफर में भी ले जा सकते हैं, 1-2 दिन तक रख करके भी इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। देखिए इसे देखते ही मुंह में पानी आने वाला है, इतनी ये क्रिस्पी और टेस्टी ब्रेकफास्ट है। बहुत जल्दी बन भी जाता है, घर के कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से ये बन जाते हैं।
अब मैं इसे आपको सर्व करते हुए दिखा रही हूँ। आप इसे सॉस चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी नाश्ते हैं। इस तरह से अभी ये गर्म है, देखिए इस तरह से अंदर भी पूरे कच्चे नहीं हैं। आप भी इस तरह से बनाएं और रिमझिम सावन की बारिशों में इसका लुत्फ़ उठाएं। कैसा बना आप लोग को, ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने लोहे के आयरन, आप लोग को पता ही होगा कि लोहे के कढ़ाई में आयरन होते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादातर फ्राई में लोहे के कढ़ाई में ही करती हूँ। और मैंगो की चटनी के साथ मैंने इसे सर्व किया है। आप लोग भी इसे खाएं और इंजॉय करें। थैंक यू, धन्यवाद।